पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र कंपनीबाग इलाके में स्थित पूर्व मेयर हुमायूं कदीर को आवंटित कोठी पर नगर निगम ने अपना कब्जा कर लिया। नगर निगम के द्वारा पूर्व में कई नोटिस पूर्व मेयर हुमायूं कदीर के परिवार को भेजे गए और आवंटित कोठी को खाली कराने को लेकर नोटिस भी चस्पा किए गए, मगर उसके बावजूद कोठी को खाली नहीं किया गया। कोठी में परिजनों के द्वारा ताला लगा दिया गया था, जिस पर नगर निगम की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए ताले को तोड़कर नगर निगम ने अपना कब्जा कर लिया। पूर्व मेयर हुमायूं कदीर को सिविल लाइन्स कंपनी बाग के पास मेयर रहते हुए कोठी आवंटित की गई थी। कोठी आवंटन की शर्त भी हुमायूं कदीर मेयर पद पर रहते हुए इस कोठी में निवास कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने ये कोठी मेयर पद से हटने के बाद भी खाली नहीं की। मामला कोर्ट में चलता रहा। शहर के पहले मेयर हुमायूं कदीर का निधन हो चुका है, इसके बावजूद कोठी पर उनके परिजनों का कब्जा था। निगम ने इसके लिए बार बार परिवार को नोटिस भी भेजे, पर जब उनके परिजनों ने इसके बाद भी कोठी खाली नहीं की तो नगर निगम ने कोठी खाली करने को लेकर नोटिस भी चस्पा कर दिया। उसके बावजूद कोठी को खाली नहीं किया गया, जिस पर अब नगर निगम की टीम ने ताले तोड़कर कोठी पर कब्जा कर लिया। बता दें कि 1995 में नगर निगम का गठन होने के बाद हुमायूं कदीर मुरादाबाद के सबसे पहले मेयर बने थे। नगर निगम के द्वारा शासनादेशों के क्रम में निरंतर अवैध अतिक्रमण व जो हमारी शासकीय भूमि है उसके जो कब्जे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हमारे जो नगर निगम का एक मेयर को आवंटित आवास था, वह श्री हुमायूं कदीर जो पहले कभी मेयर रहे हैं उनके द्वारा पिछले 30 वर्षों से कब्जे में रखा गया था और खाली नहीं किया जा रहा था। फाइलों का निरीक्षण करने के बाद यह पता चला कि पूरी तरीके से इन पर वैधानिक कार्रवाइयाँ की गई हैं, किंतु इनके द्वारा कब्जा खाली नहीं किया जा रहा था। इस क्रम में मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन के क्रम में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ जाकर वीडियोग्राफी कराते हुए आज नगर निगम ने अपनी प्रॉपर्टी को वापस कब्जे में लिया है। ये करीब 700 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी थी और शहर के बीचों बीच स्थित थी। इसका वैल्यूएशन कराया जा रहा है। फिलहाल अभी तक जो पता चला है इसकी मार्केट वैल्यू करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की है, तो एक ये अच्छी और सफल कार्रवाई है। इसी क्रम में जो अन्य अवैध कब्जे या लीज समाप्ति के बाद भी नगर निगम को ये प्रॉपर्टियाँ वापस नहीं की जा रही हैं या उन पर कब्जे नहीं हटाए जा रहे हैं, उस क्रम में भी नगर निगम पूरी सख्ती के साथ और सभी विधिक प्रक्रियाओं को समुचित रूप से पालन करते हुए शासनादेशों के क्रम में नगर निगम की टीम मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में और महापौर जी के जो भी उनकी इच्छा है और उनके निर्देश हैं कि सारी संपत्तियां एक एक करके हम वापस ले आएं, उन्हें वापस लाने की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। सभी जनता का और सभी जो हमारे गणमान्य पार्षदगण हैं उनका भी सहयोग अपेक्षित है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।